ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में दिशा सालियान मौत मामले को लेकर अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान डेथ केस की नए सिरे से एसआईटी के जरिए जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही एसआईटी का गठन किया जाएगा, इस मामले में जितने भी सबूत या नई जानकारियां हैं उसे उपलब्ध करवाया जाए। फडणवीस के इस ऐलान के साथ ही आदित्य ठाकरे की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी को परेशान करने के लिए यह जांच नहीं करवाई जा रही है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने आज सुबह विधानसभा में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से इस मामले की दोबारा जांच करवाए जाने की मांग की थी। इस मुद्दे पर विधानसभा को कुछ मिनटों के लिए स्थगित भी किया गया था। इस मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि जब इस मामले में पहले ही सीबीआई यह बता चुकी है कि दिशा सालियान की मौत मामले 14वें फ्लोर पर से संतुलन बिगड़ने की वजह से हुई थी। अजीत पवार ने यह भी कहा कि दिशा सालियान का परिवार, उनके माता पिता, उनकी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस पर लगाए गए आरोप से काफी दुखी और आहत हैं। अजीत पवार ने यह भी कहा कि दिशा सालियान का परिवार, उनके माता पिता, उनकी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस पर लगाए गए आरोपों से काफी दुखी और आहत हैं। उन्होंने राणे परिवार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। उनका कहना है कि अब उन्हें और उनकी बेटी को बदनाम न किया जाए, ऐसे में इस तरह की जाँच को दोबारा करवाना ठीक नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बैठे सभी विपक्षी दलों को यह भरोसा दिलाया कि वह इस मामले में कोई भी राजनीतिक द्वेष मन न रखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाएंगे। दिशा सालियान मौत मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच करवाए जाने के आदेश के बाद विपक्ष ने भी विधानसभा में जमकर हंगामा किया। ऑलरेडी केस आहे, या संदर्भातली जी मागणी आहे, निश्चितपणे जे काही पुरावे ज्यांच्याजवळ असतील त्यांनी द्यावे, या संदर्भात एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल। दादा आता कोणी आता सामान्य ते न्यूज रिपोर्टच्या आधारावर बोलले आहेत। मुळामध्ये दिशा सालियान केस ही कधीच सीबीआयकडे गेलेली नाही। सुशांत सिंग राजपूत केस ही सीबीआयकडे गेलेली आहे। सीबीआयला ज्यावेळेस विचारलं दिशा सालियानच्या संदर्भात, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे केस नाही, आम्ही त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत नाही आहे, आम्ही केलेलं नाही आहे, त्यामुळे त्या संदर्भातला सीबीआयचा कुठलाही क्लोजर रिपोर्ट नाही आहे। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।